अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से देश में भक्ति की बयार बह निकली है, जिसके चलते बेटमा का थाना भी श्री राममय हो गया है। इसी भक्तिमय माहौल में शनिवार को बेटमा थाना प्रांगण में शाम को भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का संगीतमय पाठ करते हुए SDOP देपालपुर थाना प्रभारी बेटमा सहित पत्रकार और श्रोता उपस्थित थे। सुंदरकांड के पाठ से मानसिक रूप से भी व्यक्ति मजबूत होता है और विरोधियों को परास्त करता है। सिर्फ यही नहीं, सुंदरकांड व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाओं को भी पैदा करता है और इसका पाठ करने से व्यक्ति समाज के लिए अच्छे काम करने के प्रति भी प्रेरित होता है। यही वजह है कि पंडित और ज्योतिषाचार्य भी लोगों को सुंदरकांड पाठ करने की सलाह देते हैं। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जटा में शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा जटा में शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में सुबह शाम आठ आम क्या काम है और क्या कर रहे हैं वो यही काम किए जा। क्या करना है? खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।